मोहनलालगंज के मऊ गांव में बुखार से लोग पीड़ित हैं। तेज बुखार से पीड़ित नवी की छात्रा की मौत हुई है। आपको बता दें कि लोही अस्पताल में इलाज के दौरान छात्रा की मौत हुई है। डेंगू से दो दिन पहले गांव में युवक की भी मौत हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मोहनलालगंज में डेंगू के बुखार के मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। मोहनलालगंज के मऊ गांव में बुखार से लोग पीड़ित हो रहे हैं। तेज बुखार से पीड़ित नवी छात्रा की मौत हुई है। तो लोहिया अस्पताल में इलाज के दौरान छात्रा की मौत हुई है। डेंगू से दो दिन पहले गांव में एक युवक की भी मौत हो चुकी है। तो तेज बुखार के चलते नवी कक्षा की छात्रा की मौत हुई है। मोहनलालगंज के मऊ गांव में तेज बुखार से लोग पीड़ित हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लोहिया अस्पताल में इलाज के दौरान छात्रा की मौत हुई है। आपको बता दें कि दो दिन पहले भी गांव में डेंगू से एक युवक की मौत हुई थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोहनलालगंज के मऊ गांव में बुखार से लोग पीड़ित हैं। तेज बुखार के चलते नवी कक्षा की छात्रा की मौत हुई है। तो लोहिया अस्पताल में इलाज के दौरान छात्रा की मौत हुई है। दो दिन पहले गांव में एक युवक की भी डेंगू से मौत हुई थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मोहनलालगंज से, जहां मोहनलालगंज के मऊ गांव में बुखार से लोग पीड़ित हैं और एक के बाद एक कई जो लोग हैं वो तेज बुखार के चलते बीमार हो रहे हैं। तो दो दिन पहले भी एक युवक की मौत हुई थी डेंगू के चलते, अब तेज बुखार से पीड़ित नवी कक्षा की छात्रा की भी मौत हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मोहनलालगंज के मऊ गांव से, जहां तेज बुखार के चलते कई लोग जो है वो बीमार हो रहे हैं। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता अवनीश जुड़ चुके हैं। अवनीश, अगर बात करें तो मोहनलालगंज के मऊ गांव में हम देख रहे हैं कि तेज बुखार के चलते एक के बाद एक कई लोग जो है वो बीमार हो रहे हैं। हाल ही में दो दिन पहले हमने देखा था कि युवक की मौत हुई थी और अब एक नवी कक्षा की छात्रा की मौत हो गई है। क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में डेंगू लगातार कहर बरपा रहा है, जिसका नतीजा है कि जो डेंगू के पेशेंट हैं वो दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। हालांकि सरकार लगातार प्रतिबद्ध है कि इस तरीके से जो डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर अस्पतालों में जो सुविधाएं हैं उसको पूरी तरीके से सुरक्षित की जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ निर्देश से। लेकिन अभी मोहनलालगंज की अगर बात करें तो मोहनलालगंज में इससे पहले भी एक डेंगू के चलते मौत हो चुकी है। आज जो है आज उसकी मौत हुई है। तो इस तरीके से लगातार जो डेंगू के मामले हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं, लेकर तमाम जो अस्पताल उसमें जो डेंगू के मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ती नजर आ रही। हालांकि सरकार ने डेंगू नियंत्रण के लिए डेंगू को जो है कंट्रोल रूम बनाया है, जहाँ से तमाम जो लखनऊ के महानगर है वहाँ पर उनकी निगरानी की जा रही है। साथ ही उनको उपचार के लिए है कि या फिर उस क्षेत्र में साफ सफाई की अगर बात करें, फॉगिंग की बात करें, कि इस माध्यम से ताकि डेंगू को नियंत्रण किया जा सके प्रयास कर रही है। लेकिन जो डेंगू के मामले हैं वो उत्तर प्रदेश समेत लखनऊ के तमाम महानगरों में जो है बढ़ रहे लगातार, जिसका नतीजा है कि मोहनगंज लाल क्षेत्र में एक पहले दो दिन पहले मौत हुई थी। साथ ही आज लखनऊ में लगातार जो है वो डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं और इसी कड़ी में एक नवी कक्षा की छात्रा की भी मौत हो गई है। तो तेज बुखार से पीड़ित नवी कक्षा की छात्रा की मौत हुई है। लोही अस्पताल में इलाज के दौरान छात्रा की मौत हुई है।